और ये पार्क अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया। कितना रुपया है चार्ज? 300। अच्छा 300, क्योंकि काफी लंबी वीडियो अगर रहती है तो लोग देखते नहीं है। तो 207 फीट है इसकी ऊंचाई और पूरे पार्क का जो क्षेत्रफल है वो। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी लखनऊ में हूँ एंड अभी मैं जिस जगह पर हूँ ना, इस जगह का नाम है गोमती नगर बिहोखंड। एंड आज का प्लान है जनेश्वर पार्क जाने का। तो काफ़ी सुंदर पार्क है, मैंने देखा है, तो मैं सोचा लखनऊ में हूँ तो क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए। वैसे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रॉपर तरीके से मैं करूँ, तो आज का प्लान है वहाँ पर जाने का। आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो ओला बाइक बुक करिए, कम पैसे में अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो वही फ़िलहाल मैं किया हूँ एंड वो आने वाला है। तो लो जी भाई, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जनेश्वर पार्क एंड ये रहा जनेश्वर पार्क जो कि गेट नंबर 2 है। एंड अब चलते हैं अंदर। तो अभी मैं गेट के अंदर आ चुका हूँ एंड ये रहा गेट नंबर 2 मेरे पीछे। और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पार्क है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। आप देख सकते हो जैसे ही आप गेट नंबर 2 से निकलोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। और ये पार्क अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी सुंदर है। जो कि मैं पहली बार आया हूँ तो काफ़ी कुछ घूमना है और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको दिखाना है। अभी फ़िलहाल शांति है, हो सकता है शाम के टाइम यहाँ पर भीड़ भाड़ रहता हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। लेकिन अभी सुबह के 11 बज रहा है ना, तो मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ। मैं सोचा घूमूंगा काफ़ी टाइम तक, देखूँगा क्या क्या है इस पार्क में और जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊँगा और आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो वही फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ एंड जो भी है आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ स्थल मानचित्र, ये देखो ये पार्क है एंड चारों तरफ से जो लिखा हुआ है आप ये पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी चीज़ किधर है, ये देखो। तो ये है इस पार्क का मानचित्र जो कि आपको दिखाया गया है बोर्ड के द्वारा कि कौन सा चीज़ किस जगह पर पड़ेगा। एंड ये रहा हमारे सामने MiG-21, भारतीय वायुसेना का MiG-21 जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जो भी कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, मैं इतना ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। तो मेरे सामने अभी फ़िलहाल जो है ना ये मूर्ति दिख रही है, मुझे लग रहा है जनेश्वर मिश्र यही हैं आई थिंक। अब वहाँ पर चल के देखते हैं क्या कुछ लिखा होगा शायद, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्हीं के नाम पर है ये पार्क, तो उन्हीं का ही ये स्टैचू होगा फ़िलहाल। और ये देखो आप, छोटा सा लेक, छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा चलकर पहले, लेकिन यहाँ पर चलते हैं। तो गाइस अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ना स्टैचू, ये जनेश्वर मिश्री हैं, उन्हीं का स्टैचू है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है इस स्टैचू की लंबाई लगभग 30-35 फीट से ही ऊपर है, आप ये देख सकते हो। तो ये रहा जनेश्वर मिश्र का स्टैचू। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या कुछ है। और भाई यहाँ पर ना बगल में रेलवे स्टेशन है, वहीं से ट्रेन वेरेन अपना जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है,
और आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, नॉइज़ आ रही है काफ़ी सारी। अभी ये है छोटा सा झील। अरे यार मैं बार बार आपको छोटा छोटा बोल रहा हूँ, छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सफाई बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी गंदा है। लिखा तो हुआ है झील में पानी गहरा है, झील में जल क्रीड़ा करना सख्त मना है, झील में किसी प्रकार का कचरा न फेंकें, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ फेंका जा चुका है और काफ़ी गंदगी फैलाई जा चुकी है। अपने देश में ना कचरा करने वालों की कमी नहीं है, कहीं भी कचरा कूड़ा करकट करते रहते हैं भाई, कितना भी लिख दो कितना भी मना कर दो वो वैसे ही रहेंगे, गंदगी तो फैलाएंगे ही। देख रहे हो कितना गंदगी फैला हुआ है, इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह को भी गंदा कर दिए हैं और सफाई लगातार हो रही है। ओ भाई साहब आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अभी इनको ना कुछ खिलाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये सब खाते हैं। भैया मछलियों को खिलाने के लिए है? हाँ मछली खिलाओ अपने आप को। अच्छा अच्छा कैसे है? कसका है। दो ऊपर से ही खिलाना पड़ेगा। तो अभी ना मैं पॉपकॉर्न लिया हूँ इन लोगों को खिलाने के लिए और देखते हैं किस तरीके से ये सब खाते हैं। भाई यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है और पॉपकॉर्न उड़ जा रहा है पीछे की तरफ। ओ भाई काफी सारी मछलियाँ हैं, काफी बड़ी बड़ी व्हाइट वाली, देखो भाई। ओ भाई मछलियों को ना पॉपकॉर्न खिलाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, उनको ना खिलाते रहो देखते रहो उनको, काफ़ी ज़्यादा अंदर से सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है, ऐसा मन कर रहा है ना बैठ के बस उन्हीं को देखते रहो। काफ़ी खूबसूरत मछलियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं मछलियाँ भाई इस लेक में, और पार्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप यहाँ पर ना घूमते घूमते थक जाओगे। अभी मैं मछलियों को दाना पानी खिलाकर यहाँ पर आ चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा ही आगे आ पाओगे तो ये जगह आपको मिलेगा, और ये जगह कुछ ऐसा है भाई, आप ये देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत पार्क है, और यहाँ पर आकर आप घूम सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में, और काफ़ी ज़्यादा भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना अकेले आओगे तब भी अच्छा लगेगा, और तीन चार लोगों के साथ आओगे तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो झील है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि छोटा है छोटा है, बट यार ये छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब पूरे पार्क को ये कवर किया हुआ है, एक जगह से स्टार्ट हुआ है पूरे पार्क को राउंड 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 करके घूम के पूरे पार्क में ये फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसी से ये जो पार्क है ना खूबसूरत लगने लगा है। और यहाँ से देखो अब पानी छोड़ा जा रहा है दो जगह से इस लेक में, देखो। और ये देखो छोटा सा आइलैंड बनाया है, ऐसा नहीं लग रहा है छोटा सा आइलैंड, चारों तरफ से पानी है और बीच में ये जगह, देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और भाई ये भी यहाँ पर चल रहा है गोल्फ कार्ट, ये भी इस पार्क में चलता है भैया। कितना रुपया है चार्ज? 300। अच्छा 300 पर पर्सन? नहीं नहीं पांच आदमी के लिए बैठ सकते। अच्छा पूरा पार्क घुमाओगे आप? अच्छा अच्छा तो भाई पार्क में ये गाड़ी वगैरह भी चलता है, जिसको घूमना है वो घूम सकता है, पूरा पार्क में ये घुमा देंगे 300 में, आपने देखा ही पांच लोग बैठेंगे और पूरा पार्क में घुमाएंगे ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर जो नहीं चल पाता है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो 300 में भाई पांच जन घूम सकते हैं आराम से। तो गाइस पूरा 15 मिनट घूमने के बाद मुझे ये जो जगह मिला था यहाँ पर मैं रील्स बनाने लगा था, और ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिए और रील्स देखकर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को रील्स। और हाँ आपको मैं एक बात बताना भूल ही गया कि इस पार्क की एंट्री पर पर्सन 10 रुपया है, अगर आप इस पार्क में आना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा जो कि उसका रेट है 10 रुपया, तो मैं बताना आपको भूल गया था, तो अभी मुझे याद आया। एंड
काफी ज्यादा मजा आ रहा है। भाई साहब मैं 15 मिनट से घूम रहा हूँ ना, अभी पार्क पूरा घूम नहीं पाया हूँ, जो कि मैं काफी स्पीड में घूम रहा हूँ, काफी स्पीड में चल रहा हूँ, फिर भी ये पार्क जो है खत्म नहीं हो रहा है। चलते जा रहा हूँ एंड इसका एंडिंग भाई पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है। ये देखो गाइस, अभी मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पर, और पैडल बोट यहाँ पर है, बटरफ्लाई गार्डन यहाँ पर है, यहीं पर मैं हूँ। और आया हूँ मैं यहाँ से गेट नंबर 2 से, और ऐसे ऐसे आया हूँ, और अभी भाई यहीं पर पहुँचा हूँ। और अगर मैं घूमूँ तो अभी देखो कितना घूमना पड़ेगा, तो इतना बड़ा पार्क है और अभी मैं यहीं तक पहुँचा हूँ। एंड ये रहा भाफ इंजन, इसको तो देखना बनता है। एंड यही है एमपी थिएटर, ये कुछ है, तो यहाँ पर हूँ अभी। ऐसे ऐसे चलकर चलते हैं और देखते हैं ये सब क्या है। भाई चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसको मैं निकाल दिया, और अभी इसको निकाल कर ही लेकर हाथ में घूम रहा हूँ। और अभी जो मैंने आपको दिखाया मैप में, वहाँ पर हूँ और भाफ का इंजन आगे है, और भी काफ़ी कुछ है, देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ है। और ये रहा सामने हनुमान जी का मंदिर इस पार्क के अंदर, और मैं गेट नंबर 2 से आया हूँ ना, तो वहाँ पर भी एक मंदिर था। अब मैं देखा नहीं किसका मंदिर था, बट यहाँ पर भी एक मंदिर है, और ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, जो कि लिखा हुआ है। और ये देखो भाई, मंदिर के बगल में मैगी वगैरह मिल रहा है, और जो भी कुछ खाना है आपको यहाँ पर खा सकते हो, टी वगैरह पी सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और मुझे लग रहा है ना, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, तो अगर लंबी हो रही होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो अगर रहती है तो लोग देखते नहीं हैं। और एक्सप्लोर करने आया हूँ तो भाई अच्छे से करूँ, है ना, अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ किसी चीज़ को तो वो वीडियो लंबी बन सकती है और बनेगी। अगर इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा सब कुछ है, तो अगर आप दिखा रहे हो अच्छे से तो भाई वीडियो तो लंबी बनेगी ही। एंड वहाँ पर जितना काटना रहेगा मैं एडिटिंग में काट दूंगा, पीट दूंगा, वो तो एडिटिंग में ही पता चलेगा। एंड अगर लंबी बनेगी तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जो कि आप अच्छे से देख सकते हो और आपको मज़ा भी आएगा देखने में। तो आपके लिए मैं इतना दूर चल रहा हूँ और मेरे लिए भी मैं चल रहा हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को तो बनता ही है, तो फटाफट अभी से कर दीजिए। एंड जब ये आगे दिखा रहा हूँ मैं,